नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे घर के मेन गेट के बारे में। अगर हमारा मेन गेट सही है तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमारे घर पर हमेशा बनी रहती है, घर परिवार में सुख शांति रहती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर का मुख्य दरवाजा कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए और किस चीज का बना होना चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो उसके लिए हम क्या करें कि उससे आने वाली नेगेटिव एनर्जी हमारे घर पर असर ना करे और सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती रहे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रवेश द्वार साफ सुथरा एकदम स्वच्छ होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने कोई खंभा, सेफ्टी टैंक या पेड़ नहीं होना चाहिए। जूते रखने का रैक भी मेन गेट के सामने नहीं होना चाहिए। किसी भी पेड़ या खंभे की छाया आपके घर पर अशुभ प्रभाव डालती है। अगर आपके घर का मेन गेट वास्तु के मुताबिक नहीं है तो मेन गेट के आसपास हनुमान जी के हाथ में गदा लिए हुए चित्र दोनों तरफ लगाने चाहिए। उससे घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी होते हैं, वहाँ कोई ऐसी वैसी चीज नहीं आ सकती। नंबर दो, घर का मेन गेट उत्तर पूर्व दिशा या दक्षिण पूर्व दिशा में। अगर आपका दक्षिण मुखी प्लाट है तो गेट को दक्षिण पूर्व में बनाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी हमेशा आप पर प्रसन्न रहेंगी। भूल कर भी घर का दरवाजा दक्षिण पश्चिम की ओर नहीं बनाना। मेन गेट अगर उत्तर पश्चिम में बनाना हो तो उसे पश्चिम की दीवार पर बनाना चाहिए और वो भी शुभ होता है, और उत्तर की तरफ नहीं बनाना। और उत्तर और पूर्व की दीवार दोनों कॉर्नर में आप कहीं भी मेन गेट बना सकते हो, वो बहुत शुभ होते हैं, दोनों जगह ही शुभ हैं। नंबर तीन, घर का मुख्य गेट बाकी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। दरवाजा दो पल्लों वाला ही होना चाहिए, वही शुभ होता है। दरवाजे की लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होनी चाहिए, चौड़ाई से लंबाई डेढ़ गुना ज्यादा होनी चाहिए। दरवाजे को खोलते वक्त किसी प्रकार की भी आवाज नहीं आनी चाहिए और ना ही दरवाजा नीचे रगड़ खाना चाहिए। अगर आपके घर के दरवाजे में कोई आवाज आती है तो उसमें ऑयल डाल दें, ठीक हो जाएगी, ये शुभ नहीं होती। दरवाजा हमेशा अंदर की तरफ ही खुलना चाहिए। मेन गेट हमेशा लकड़ी का ही शुभ होता है। बाहर की तरफ दरवाजा खुलने से रोग दोष बढ़ते हैं। एक सीध में तीन दरवाजे कभी भी नहीं होने चाहिए। मेन गेट के सामने कभी भी सीढ़ियां भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा सजा कर साफ सुथरा रखें। प्रवेश द्वार पर कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। दरवाजे पर आम के पत्तों का या रेडीमेड तोरण लगाकर रखें। गणपति जी की मूर्ति दरवाजे के अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाएं। शुभ लाभ लगाना भी शुभ होता है। इससे हो सके तो दरवाजे पर छोटी सी रोज रंगोली बनाएं। रोज सुबह उठकर सबसे पहले दरवाजे पर पानी छिड़कें, उसके बाद झाड़ू लगाएं। गंगा जल है तो गंगा जल का छिड़काव करें, नहीं तो सादे पानी का ही छिड़काव कर दे। घर के मेन गेट पर एक बल्ब हमेशा जला कर रखें। अगर आपने माता जी के चरण मेन गेट पर लगाए हैं तो उनको ऐसा लगाएं जैसे वो घर के अंदर आ रही हो। उन पर कभी भी किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए। नंबर चार, घर में अगर कॉलिंग बेल लगी है तो उसकी ध्वनि मधुर होनी चाहिए। कई घरों में ओम या कुछ मंत्रों की ध्वनि वाली कॉलिंग बेल लगी होती है, उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। नंबर पांच, घर के मेन गेट पर एक डोरमेट हमेशा बिछा होना चाहिए।
इससे घर के अंदर जो भी प्रवेश करेगा उसके पैरों के द्वारा आने वाली नेगेटिव एनर्जी बाहर ही रह जाएगी, घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। हो सके तो डोरमेट लाल रंग का ही बिछाएं। घर के मेन गेट पर हमेशा नेम प्लेट लगाएं। नेम प्लेट लगाने से आपकी तरक्की होगी और उसको समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। मेन डोर के सामने शीशा कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शीशा लगाने से आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव में बदल जाएगी। मुख्य दरवाजे पर चौखट होना अनिवार्य है, जिसको दहलीज भी कहते हैं। इससे भवन या घर में रहने वाले सदस्यों में शुभ व उत्तम संस्कार आते हैं, जो आज के जमाने में लगभग लुप्त हो चुकी है। पहले जमाने में हर घर के आगे दहलीज होती थी, पर आज किसी किसी घर के आगे ही दिखाई देती है। ये आजकल दहलीज नहीं बनाई जाती। आज अगर हम अपने घर को खुशियों से आमंत्रित करना चाहते हैं तो घर का मेन गेट वास्तु के अनुसार बनाएं। अगर मुख्य द्वार अत्यंत सुशोभित होगा तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वास्तु शास्त्र तोड़ फोड़ का शास्त्र नहीं है। पहले से निर्मित प्रवेश द्वार को वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जिनको करके हम इन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात लेकर। थैंक यू।